थी जो कल डीएम साहब ने जो कमेटी गठित की है उसका विरोध जताने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्योंकि तो हमें उससे आपत्ति है। उसमें जो कमेटी में जो मेंबर हैं, पीटीए के मेंबर हैं, प्रशांत सिंह जी हैं, और प्लस एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सब हमें आपत्ति है उस कमेटी। किस चीज़ को लेकर आपको आपत्ति है? देखिए, पहली बात तो पीटीए का जो है गठन हुआ है वो पीटीए के लिए हमसे पूछा नहीं गया। आप पहले देखेंगे, आपने अखबारों में भी डीएम साहब ने एक निकाला था कि इस कमेटी में जो है अभिभावक संघ का प्रतिनिधि शामिल होगा। उसके बावजूद भी हमसे ना तो राय ली गई, सिर्फ हमसे नाम मांगा गया था, डीओएस से नाम मांगा था, हमने नाम दे दिया। उस नाम पे चर्चा भी नहीं हुई, हमसे बुला के पूछा भी नहीं गया, और सडनली उन्होंने कमेटी बना दी। तो जिन लोगों को कमेटी द्वारा चुना गया है, जिनको जो इसके प्रतिनिधि हैं, क्या आप मानते हैं वो इसके लायक हैं? या देखिए, अभी लायक हो ना लायक हो तो हम कमेंट नहीं कर सकते। बस ये कि हमें तो ये डाउट हो रहा है कि क्या पीटीएम उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे नोएडा में जितने स्कूल हैं उनके पीटीए के मेंबर वो हैं जिनके बच्चे पास आउट होके जा चुके हैं। उनके कुछ स्कूलों में ऐसे हैं जो उनके पोते भी आ गए हैं, उनको उनके उनको भी कमेटी में रखा, अभी भी पीटीए बना के रखा हुआ है। तो अब आप विरोध कर रहे हैं, आपके विरोध द्वारा अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर क्या आगे? देखिए, अगर अगला हमारा स्टेप ये होगा, पहले हम डीएम साहब कमेटी जो हेड करते हैं उनसे मिलेंगे, वहाँ से नहीं सुनवाई होगी फिर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के पास जाएंगे। नहीं होगा तो फिर लास्ट तो हम जैसे